जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जी अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आज़ादी को 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं इस 14 अगस्त से, और इसी हवाले से 14 अगस्त के बहुत सी तकरीबात जो हैं वो साहिवाल डिवीज़न भर में मुख्तलिफ़ जगहों पर इनेकाद उनका किया जा रहा है। आज उसका बाकायदा आगाज़ हमने आर्ट्स काउंसिल से किया, यहाँ पे मुसव्वरी की नुमाइश जिसका बहुत ही खूबसूरत मौजू है पाकिस्तान के रंग, और उसी मुनासिबत से आप यहाँ देखेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ रंग जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हमारे किसान दहकान, हमारी जो मैदान, हमारे दरिया, हर तरह से इस मुल्क की खूबसूरती को यहाँ उजागर किया गया है। इसी हवाले से बहुत सी मज़ीद तकरीबात जो हैं वो आज से इंशाल्लाह मुनक्किद की जा रही हैं, और ये पूरे अगस्त के महीने में आप पूरे डिवीज़न में देखेंगे कि इसी तरह ये तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा है, क्योंकि आज़ादी की एक सांस जो है वो ग़ुलामी के 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, और तमाम तबका फ़िक्र से लोग जो हैं वो इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मुख्तलिफ तकरीबात हैं जिसका आप 14 अगस्त को इंशाल्लाह देखेंगे। हमारे आर्ट्स काउंसिल के ही हॉल के अंदर बाकायदा फ्लैग होस्टिंग भी की जाएगी, और इंशाल्लाह मुख्तलिफ तकरीबात में जो है वो हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे, और इस इरादे का वादा भी करते हैं कि इंशाल्लाह इस मुल्क की तरक्की के लिए इस मुल्क को बैनुल अक्वामी तौर पर मज़ीद इसका इंशाल्लाह वकार बुलंद करने के लिए हम अपनी भरपूर कोशिशें करते रहेंगे। आज साहिवाल आर्ट्स काउंसिल ने डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में यहाँ पाकिस्तान के रंग के उन्वान से एक तस्वीरी नुमाइश जो है उसका इतमाम किया। मकसद यही है कि हम अपनी नस्ल को, नई नस्ल को ये बताएं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। हमने अपनी मजीद मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, और यही पैगाम है आज की ये जो तकरीब है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, इसकी वकार इज़्ज़त हम सब की ज़िम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक रोशन मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने उभरेगा। हमें मिला 1947 से, और आज 75 साल बाद हम एक ऐसी महफिल में बैठ के एक ऐसे ही मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं जो पहले दिन से हमारे साथ। यकीनन आप भी जानते हैं कि हमने नस्ल नौ के दरमियान मुकालमे की फजा को परवान चढ़ाया, इस तासुर को खत्म किया कि आर्ट्स काउंसिल सिर्फ एक तफरीही इदारा है। हमने फिक्री तौर पर जनाब सदर मजलिस कोशिश की कि इस मुआशरे की तरबियत की जाए, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर